दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे जब आपका जो रिजल्ट एरर करेगा, जब आपका वेबसाइट नहीं खुलेगा, तो उससे आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हो। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिन CBSE का जो वेबसाइट है क्रैश कर चुका था। क्रैश होने की वजह से जो है काफ़ी बच्चों ने अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे। काफ़ी वो देरी तक परेशान थे, रात तक परेशान थे अपने रिजल्ट को देखने के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो। आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो तो मैं आप सबका टेंशन समझ सकता हूँ। तो उसके पहले एक दो इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर दिया है, ये तो कंफर्म हो चुका है फाइनल कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी दे सकते हैं, या उससे पहले भी अनाउंस हो जाएगा। तो आप अलर्ट रहिए, रेडी रहिए कि आपको कैसे क्या करना है आपके रिजल्ट को देखने के लिए। बिजी रहेगा आप, अपना रिजल्ट नहीं देख पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको करना क्या है मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, छोटी सी वीडियो है। और अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर अगर अभी भी परेशान है तो परेशानी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में कहा और डिफरेंट सोर्सेज से भी पता किया कि इस साल का जो क्लास 10 का बच्चों का रिजल्ट आने वाला है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 12 से तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिला है। सबने यही कमेंट किया है कि हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था, फिर भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिल चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट को देखेंगे। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की डाउनलोड करना पड़ेगा, डीजी लॉकर। मैंने पहले भी बता दिया था, डीजी लॉकर काफ़ी फेमस है, सारे यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं हर जगह पे। डीजी लॉकर आपको ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। उसको आप कैसे ओपन करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। आपका आधार कार्ड का जो 16 डिजिट नंबर है या 17 या 15 डिजिट डाल देना। डालने के बाद एक OTP आएगा, जो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, याद रखें, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP आएगा। तुरंत रजिस्टर करके आप रेडी हो जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप उस पर डाल के अपना रिजल्ट देख पाओगे, क्योंकि क्लास 12 में काफ़ी बच्चे जो हैं वो है डीजी लॉकर से ही अपना सारा रिजल्ट देख पाए थे। और कोई वेबसाइट खुलेगा भी नहीं, और अगर खुलेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा देर होगा, तब तक आप तो टेंशन लेकर बैठोगे नहीं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि CBSE से लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल पे वीडियो आती रहती है। थैंक यू।